हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमेशा की तरह सुबह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और चाय मेरी बन गई है और मैंने नाश्ता भी बना लिया है। सभी के लिए पराठे बनाए हैं आज नाश्ते में, और बेटी के टिफ़िन के लिए भी मैंने पराठे ही बना दी सुबह, क्योंकि वो दूसरा कुछ भी ऐसे कंप्लीट नहीं करती है वहाँ पर स्कूल में जाने के बाद में नाश्ता, तो मैं उसे पराठा ही देती हूँ और वो अच्छे से खा लेती है। तो उसकी वजह से मैं पराठा और उसको जैम या सॉस दे देती हूँ तो वो अच्छे से खा लेती है। तो मैं इसी वजह से पराठे ही बनाती हूँ। तो आज मैंने हम सब के लिए नाश्ते में पराठे ही बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए, मेरी बेटी उठ गई है और हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता दे दिया है। और ये देखिए, आज मैंने बनाई है हस्बैंड के लिए भी चाय, लेकिन इनके नखरे देखो। मैंने बना ली क्योंकि मैंने पराठे बनाए थे चाय, तो उसके साथ मैंने चाय बनाई है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे दूध ला के दो। तो अभी देखिए, मैंने चाय वापस से डाल दी है और अभी मैं इनके लिए दूध लेके जा रही हूँ। मतलब कभी कभी तो समझना चाहिए ना कि हाँ चलेगा, जो मिला वो कर लेते हैं, लेकिन क्या करें, अभी इनकी मन मर्जी है। तो चलिए, अभी इनको मैंने दूध दे दिया है, इनका नाश्ता हो गया है अभी, और अभी हम लोग भी कर लेते हैं नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने मेरे लिए और बड़ी वाली बेटी के लिए चाय निकाल दी है। जब तक मैं तो पी लूँगी गरम गरम, लेकिन बड़ी वाली बेटी जब तक उठेगी वो तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो मैं फिर उसको चाय दे दूँगी और नाश्ता करवाऊँगी। और यहाँ पर मैंने उसके लिए बोतल भी भर दिया है। और हस्बैंड मांग रहे थे कि दूध में घी डालो, लेकिन मैंने कहा आज मैं नहीं डालने वाली हूँ, आप बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहे हो और मतलब बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह परेशान कर रहे हो। तो फिर भी मैंने कहा ठीक है, अभी मांग रहे हैं तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि होता है ना कई बार ऐसा होता है कि पहले हम कहते हैं कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और फिर सोचते कि चलो जाने दो यार, कर ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने रखा है बेटी के लिए गर्म पानी, क्योंकि अभी वो उठेंगी, नाश्ता करेगी, फिर उसको नहाना है, तो उसके लिए मैं जब तक नाश्ता करेगी तब तक पानी भी हो जाएगा। तो चलिए, मैंने इसके लिए पानी रख दिया है और अभी सिस्टर को भी उठा दिया है, तो उसके लिए भी मैं चाय डाल देती हूँ। और छोटी वाली बेटी भी उठ गई है, तो मैंने उसके लिए भी चाय वगैरह डाल दी है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम सब कर लेते हैं नाश्ता, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए, यहाँ पर बेटी रेडी हो गई हैं और साथ साथ में छोटी वाली को भी नहला दिया है, क्योंकि दोनों का पानी एक साथ ही गर्म होता है, तो मैंने इसको भी दोनों को नहला दिया है और इसको भी रेडी कर लिया है और दोनों को भी। और अभी इसको मैं स्कूल छोड़ के आ जाऊँगी। और देखिए, आज बारिश स्टार्ट हो गई है, पहले एक बार आई थी लेकिन बहुत कम हुई थी, और वापस से वो जैसा मौसम था पहले वैसे हो गया था, लेकिन अभी स्टार्ट हो गई है यहाँ पर बारिश, और दो दिन से कंटिन्यू यहाँ पर बारिश हो रही है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है बारिश हो रही है, और काफ़ी मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि बच्चों को छोड़ने जाना, लेने आना वापस, मतलब उसकी वजह से। तो और ये देखिए, छोटी वाली बेटी यहाँ पर खेल रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं, और आज इसने बारिश में भी इंजॉय किया है। तो अभी देखिए, ये इसके ऊपर चढ़ जाती है, कई बार इसको मना करती हूँ पर फिर भी ये मानती नहीं है, और अभी देखिए इसको बारिश में इसको खेलना है, इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, देखिए क्या।
तो यहाँ पर मैं बेटी को स्कूल छोड़ के आ गई थी और अभी मुझे बेडशीट बिछानी थी, तो यहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट भी बिछा दी हैं। और कभी कभी बिछाती हूँ, कभी नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि पूरे टाइम ऐसे इसको बिखेरते रहते हैं, तो फिर बार बार बिछाना भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं दोनों। तो मैं कभी बिछा देती हूँ, कभी नहीं बिछा देती हूँ, ऐसे ही चलता है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर सुई निकाला था, मैं एक ब्लाउज सिल रही थी उसके उसमें मुझे काम इसका काम था, तो ये देखिए मशीन से लेके आ गई है। और अभी ये छुपा रही थी, और ये मतलब कुछ भी होता ना ये ऐसे छुपाने में लग जाती है। और ये देखिए अभी भी ये कैसे मुंह बना रही, मैंने इससे ले लिया ना, ये देखो इतने नखरे दिखाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है ये। और बस अभी इसकी तो हो गई है, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज मैं मिक्स वेज बना रही हूँ, तो यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर, आलू और प्याज ले लिए मैंने, तो इनको पहले तो कट कर लेती हूँ, फिर इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। वैसे इसकी सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो चलिए मैं जल्दी से सब्ज़ी बना देती हूँ। और पहले मैं कभी शिमला मिर्च की सब्ज़ी नहीं बनाती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मतलब कैसे कभी मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन अब जब से बनाने लगी हूँ ना, सच में बहुत अच्छी लगती है। और आप इसे रोटी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हो, मतलब बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो चलिए मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। तो खाना मैंने सब बना लिया है और हम लोगों ने खा भी लिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने किचन काउंटर को भी क्लीन कर दिया है, ये देखिए। ये थोड़ा सा पानी मेरी बेटी को मैंने पिलाया ना, तो उसने सारा गिरा दिया है, तो मैं अभी इसको भी क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हम लोग सो गए थे। और अभी है शाम का क्लिप, तो मैं गई थी हमारे जो पास में भाभी रहते हैं उनके घर पर, तो वहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया, और काफ़ी अच्छा नज़ारा था वहाँ पर। देखिए आप भी कितना अच्छा लग रहा है ना, शाम का टाइम है, मतलब 7:30 बज रहे हैं और अभी भी इतना उजाला हो रखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे भी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा क्लिप ले ही लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करूँगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी देखिए यहाँ पर बारिश का मौसम है, तो सारे कपड़े भी उन्होंने ऐसे ही टांग रखे, जैसे मैं भी ऐसे ही टांगती रहती हूँ घर पे, क्योंकि जैसे तैसे कपड़ों को सुखाना है, का क्या करें अभी। और ये देखिए मेरी सिस्टर झूला झूल रही है यहाँ पे, और भाभी यहाँ पर साड़ी में फॉल लगा रहे हैं।